हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपना यूट्यूब चैनल लेजिंग किंग में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आया हूं एसएससी जीडी 11 मार्च 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप इसका फायदा उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। बस आप यूं ही ऐसे सेट्स जो कि मैं लाते जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखते जाइए, ये सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा और खास करके एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये साबित होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। आप अगर यूट्यूब चैनल में, मेरे इस यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग में अगर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को जब भी देखिए एंड तक देखिए, तो आपको सारा सॉल्यूशन आपको दिखेगा और कुछ कंसेप्ट आपके पास आएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है कि असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। मतलब तीन तीन लेटर का पेयर बना हुआ है, चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें हमको डिफरेंट ढूंढना है कि कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा कि यहाँ पे जी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे ई है। तो जी से सी में आप देखिएगा फ्रेंड्स, पहला दो लेटर में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जी है जिसका प्लेस वैल्यू आपके पास ये 7 है, जिसका प्लेस वैल्यू 7 है, सी का प्लेस वैल्यू आपके पास 3 है और यहाँ पे आपका इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे आपका 2 है, 5 है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 से अगर 3 हुआ मतलब यहाँ पे 4 आपका घट गया। कितना घट गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ हम लोग 4 कम हो गया। कितना कम हो गया, 4 कम हो गया और फिर यहाँ से यहाँ हम लोग का ये 2 बढ़ गया। और नेक्स्ट हम लोग आगे अगर देखेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका प्लेस वैल्यू होता 16, इसका प्लेस वैल्यू होता 12 और इसका प्लेस वैल्यू होता 14। यानी कि यहाँ पे 16 से अगर 12 हुआ मतलब यहाँ पे -4 हो गया और यहाँ से यहाँ फिर जो है यहाँ पे हम लोग को हो गया प्लस, है ना, +2। यहाँ पे कितना हो गया, +2 हो गया। यानी यहाँ पे भी -4 हुआ और +2 हुआ, यहाँ भी -4 हुआ +2 हुआ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जे का प्लेस वैल्यू 10 होगा, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होगा और एच का प्लेस वैल्यू 8 होगा। तो 10 से अगर 6 हुआ फ्रेंड तो यहाँ बोलेगा -4 हुआ और यहाँ से यहाँ फिर जो हम लोग का प्लस कितना हो गया फ्रेंड, तो 2 हो गया। तो इन तीनों में हमको एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे पहले -4 हुआ, +2 हुआ, -4 +2, -4 +2। लेकिन बी नंबर ऑप्शन में अगर हम लोग चेक करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास ये 19 दिया गया है, यहाँ पे 10 दिया गया है और यहाँ पे 12 दिया गया। तो यहाँ पे आपको 2 बढ़ता हुआ दिख रहा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पहला 4 घटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं घट रहा बल्कि यहाँ पे हम लोग के पास ये 9 घट रहा। कितना घट रहा फ्रेंड्स, तो ये 9 घट रहा, इसलिए हम लोग को ये जो अलग होगा वो हम लोग का हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये इन तीनों से ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। सेम चीज है, यानी इसका ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही अगला इसका नेक्स्ट के साथ क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ में हम लोग को देखने को क्या मिलता है, तो हम लोग ऐसा कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास देखिए ये जी है और यहाँ पे आपके पास ये जे है। तो जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, जी का प्लेस वैल्यू होता है 7 और जे का प्लेस वैल्यू होता है 10। तो यहाँ पे जी से अगर 10 जे हुआ मतलब यहाँ से हम लोग को 3 बढ़ा। कितना बढ़ा फ्रेंड, तो हम लोग को 3 बढ़ा। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये 8 है और यहाँ पे हम लोग का ये 11 है, यानी इसका प्लेस वैल्यू 8 होता है और इसका प्लेस वैल्यू होता है 11 है। 8 से अगर 11 हो जाता है मतलब इसमें भी आपको 3 बढ़ रहा है और यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये आई है और यहाँ पे आपका ये एल है। आई का प्लेस वैल्यू होता है 9 और एल का प्लेस वैल्यू होता है ये 12। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट का इसका लास्ट के साथ यहाँ 3 बढ़ा, फिर यहाँ एच से के हुआ मतलब यहाँ भी 3 बढ़ा और यहाँ आई से अगर एल हुआ मतलब यहाँ भी कितना बढ़ा फ्रेंड, तो 3 बढ़ा। यहाँ पे हमको ये एक रिलेशन दिख रहा, तो सेम जस्ट हम लोग आगे इस तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे एस है, एस में से अगर हम 3 अगर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे अगर हम 3 अगर इंक्रीज करेंगे इसका प्लेस वैल्यू होता है 19। यहाँ पे 3 अगर हम बढ़ाएंगे तो 19 और 3 22 होगा। अब 22 में सबसे पहले मेरे पास आएगा भी, तो भी यहाँ पे नहीं आएगा, भी हम लोग लास्ट में आएगा, भी हम लोग आएगा यहाँ पे हो जाएगा भी। तो फ्रेंड्स, ऐसा ऑप्शन में देखिए यहाँ पे हम लोग के पास ये तो खैर होगा नहीं, यहाँ पे इसको हम लोग काट सकते हैं और यहाँ पे ये भी ऑप्शन होगा नहीं, इसको भी हम लोग काट सकते हैं। तो मेरे पास बचा क्या क्या है, तो ए और सी बच गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू होता है हम लोग का 20 होता है, इसका प्लेस वैल्यू होता है हम लोग का ये 20 होता है, ये 20 होता है और इसमें हम लोग कितना बढ़ेगा फ्रेंड, तो 3 बढ़ेगा। तो यहाँ पे 20 और प्लस 3 हो जाएगा 23, 23 दैट मीन्स हो जाएगा डब्ल्यू। ये कितना हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा।
डब्ल्यू हम लोग का कहाँ दिख रहा फ्रेंड, तो हम लोग सी में तो दिख नहीं रहा, हम लोग का डी में दिख रहा, ए में दिख रहा, सॉरी ए में दिख रहा, इसलिए आंसर हम लोग कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे हम लोग आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप इस तरह से देख सकते हैं, जब इसमें आपको तीन बढ़ा और इसमें भी आपको तीन बढ़ा, इसमें भी आपको तीन बढ़ेगा, तो यहाँ इसका प्लेस वैल्यू होता है 21। 21 और 3 24 होगा, तो 24 पे हम लोगों का आता है x, 24 में आता है x, यानी कि हम लोग यहाँ पे ये x लिखेंगे, जो कि हम लोग का है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, लिखा गया है कि सभी डिब्बे जार है। सभी डिब्बे क्या है फ्रेंड, तो जार है। ऐसा हम लोग वेन डायग्राम फिगर मेथड से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, बनाते हैं। तो लिखा गया सभी डिब्बे जार, यानी कि डी फॉर डिब्बा लिख देते हैं, सभी डिब्बा है, जो कि बताया जा रहा है कि सभी डिब्बा क्या है, ये जार है, जे फॉर जार। आगे लिखा कोई टीन डिब्बा नहीं है, कोई भी टीन जो है वह डिब्बा नहीं है। तो टीन यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड्स, ये टीन है और ये डिब्बा नहीं है। तो टीन अगर डिब्बा अगर नहीं होगा तो टीन कभी जार भी नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की, तो कंक्लूजन नंबर 1 में लिखा गया कुछ डिब्बा टीन है, कुछ डिब्बा जो है वह टीन है। देखिए फ्रेंड, डब्बा यहाँ पे है और टीन यहाँ पे, ये साफ साफ दिख रहा है कि इसके इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, मतलब पहला नंबर हम लोग का ये गलत बोल रहा और दूसरा हम लोग को बोल रहा था सभी टीन जार है। तो टीन यहाँ पे है फ्रेंड्स और जार यहाँ पे, जब इसके साथ रिलेशन नहीं है तो इसके साथ भी, इसके साथ रिलेशन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन बोला सभी टीन जो है वह जार है, तो ये गलत है, तो ये भी हम लोग का गलत है। और जब दोनों अगर हम लोग का गलत है तो कंक्लूजन नंबर हो जाएगा बोथ आर रॉन्ग, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हम लोग के पास यहाँ पे ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें तीन वर्ड है और इससे इससे रिलेटेड हमको सिलेक्ट ऑप्शन को चुनना है, यानी कि सही ऑप्शन को चुनना है जो सही होना चाहिए। इसमें लिखा अविवाहित है, विवाहित है और व्यक्ति है। व्यक्ति मतलब ये पर्सन हो गया, कोई मेल और फीमेल के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे अविवाहित बोला, विवाहित बोला, मतलब अनमैरिड है, मैरिड है, और यहाँ पे क्या लिखा ये व्यक्ति है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति के अंतर्गत दोनों आता है, विवाहित भी आता है और अविवाहित भी आता है, दोनों आता है। तो दोनों हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये मैरिड हो जाएगा, एक सर्कल हम लोग का ये मैरिड का शो करेगा, मैरिड हो जाएगा, और एक हम लोग का ये अनमैरिड हो जाएगा, और ये हम लोग का व्यक्ति हो जाएगा। व्यक्ति मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा पर्सन, क्योंकि हमको परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, इसलिए आपका आंसर एग्जैक्टली हो जाएगा डी नंबर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th में। इसमें लिखा गया श्रृंखला को पूरक करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और इसको हम लोग लेकिन देख सकते हैं आराम से क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 32 से हमको लिखा गया 144 है, और नेक्स्ट हमको फाइंड करना क्या होगा, और फिर नेक्स्ट हमको इस तरह से डिजिट्स दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से, यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कितना इंक्रीज किया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 32 को जो है 32 को मल्टीप्लाई किया गया 4.5 से। कितना से मल्टीप्लाई किया गया फ्रेंड्स, तो 4.5 से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 32 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 4.5 से तो आपके पास वो वैल्यू आएगा, 5 को 2 से गुना कीजिए 10 जीरो हाथ में 1 हो जाएगा, और फिर 5 को 3 से गुना कीजिए और 4 को 2 से गुना कीजिए, मतलब हो जाएगा 5 या 15 और हम लोग का हो जाएगा 4 दुनिया 8, 15 8 23, 23 और 1 24 के 4 हाथ में बचा है 2, और इसी तरह 4 या 12 और 2 14 और एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब ये 144 आया जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। और इसी तरह फिर आगे अगर इसको अगर आप 4.5 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नेक्स्ट डिजिट आएगा, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे आप गुना कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 45 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, मतलब हो जाएगा 5 को 20 जीरो हाथ में 2 हो गया, 5 को 20 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2 और 5 एक 5 5 और 2 7 और इसी तरह 4 एक 16 6 हाथ में 1 4 एक 16 17 एक 7 हाथ में 1 4 एक 4 और 1 हो गया 5, यानी कि 0 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 7 7 14 4 में 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपके पास आना चाहिए 648, ये डिजिट आना चाहिए। और इसी तरह से हम लोग का आगे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए 4.5 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो उम्मीद करते हैं कि ये डिजिट आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करना है कितना फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं 648 को मल्टीप्लाई करना है हम लोग, तो 45 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाद में एक अंक के बाद हम लोग पॉइंट को हटा है ना, एक अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे। 8 पचे 40 की जीरो हाथ में जो 4 हुआ, और 4 पचे 20 और 4 24 के 4 हाथ में 6 हाथ में 2 हुआ, 6 पचे 30, 30 और 2 32 इस तरह से, और 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 हुआ, 4 चौके 16, 16 और 3 17, 16 16 16, 3 19, 9 हाथ में जो 1 और 6 चौके 24 और 1 हो गया 25। यानी कि इसको अगर एड करेंगे 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 2 11 के 1 हाथ में 1 हो गया, 21 6 6 और 3 9 हो गया 2। मतलब देखिए फ्रेंड्स, यार यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे लगेगा तो ये हट जाएगा, मतलब आपके पास आया 2916, जो कि हमको यहाँ पे 2916 दिख रहा। तो किस तरह का सीरीज चल रहा फ्रेंड्स, कि ये जो डिजिट आ रहा उसको हम लोग 4.5 से हम लोग क्या करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और इस तरह से हमको डिजिट मिलता जा रहा। तो इस तरह से बोलेंगे फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे ये डिजिट बिल्कुल करेक्ट है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, 6 नंबर में लिखा, यदि किसी कूट भाषा में अगर एडमिट को लिखा गया इतना, देर हमको फाइंड करना है कार्ड को क्या लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं कि एडमिट यहाँ पे अगर इसका प्लेस वैल्यू तो 1 होता है, यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू 2 होता है, मतलब इसका 1 होता है, 4 होता है, इसका 13 होगा, इसका 9 होगा, इसका 20 होता है, इसका 2 होगा, इसका 6 होगा, इसका 16 होता है, इसका 13 होता है, इसका 25 होता है। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे आपका ये 1 बढ़ा, कितना बढ़ा फ्रेंड्स, तो ये 1 बढ़ा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, मतलब यहाँ कितना बढ़ा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का ये 2 बढ़ा। यहाँ पे 13 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ कितना बढ़ा फ्रेंड, तो यहाँ 3 बढ़ा। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 13 है, मतलब यहाँ पे हम लोग का ये 4 बढ़ा और यहाँ पे हम लोग का ये 5 बढ़ा, मतलब 1 2 3 4 5 करके ये इंक्रीज कर रहा। देन फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से इसको 1 + 2 + 3 + 4 करके इसको इंक्रीज करेंगे, तो सी का प्लेस वैल्यू होता है फ्रेंड्स 3, और 3 + 1 = 4, 4 में हम लोग का ये डी आएगा, और यहाँ पे ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, और 1 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में हम लोग का सी आ जाएगा, और ये आर का मतलब होता है 18, तो 18 और 3 21 21 पे हम लोग का ये यू आ जाएगा, और डी मतलब होता है 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 पे हम लोग का ये एच आ जाएगा। देन हम लोग बोल सकते हैं फाइंड हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 7th नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना, मतलब इसमें कोई एक मिसिंग नंबर है जिसको हमको फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग ये ऑप्शन दिया गया है, तो फ्रेंड्स इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि 65 को अगर आप 5 से डिवाइड दीजिए, 65 को अगर 5 से अगर डिवाइड दीजिएगा, तो यहाँ पे 5 से अगर इसको डिवाइड दीजिएगा, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अगर डिवाइड दीजिएगा तो 5 से भाग देंगे तो 5 = 5 और 5 = 15, ये आपके पास 13 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड, तो आपके पास आएगा 13। और यहाँ पे इससे अगर हम इसको अगर डिवाइड देते हैं, इससे अगर इसको अगर 3 से अगर इसको अगर डिवाइड देंगे, 3 से अगर इसको डिवाइड देंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का 3 से भाग देंगे तो 3 × 2 = 6 होगा, 3 × 6 = 18 आएगा। मतलब यहाँ पे 3 से इसमें डिवाइड दिए तो 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18। आप कुछ नहीं करना, 13 और हम लोग का ये 26 को ऐड कर देना, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे तो 6 और 3 = 9 हो जाएगा, और 2 और 1 = 3 हो जाएगा 39, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है, आपको 39 यहाँ पे दिख रहा है। सेम काम फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे करना है, तो हम बोल सकते हैं 64 को अगर हम 4 से अगर डिवाइड देंगे तो 16 चौके 64, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड, 16 आ जाएगा, 4 = 4 और 4 × 16। और इसी तरह से 112 को अगर हम 8 से अगर डिवाइड देंगे तो 8 से डिवाइड देंगे तो हम बोल सकते हैं कि 8 × 8 और 3 बचा, 8 + 3 = 24, 8 × 32 यानी कि हम लोग 14 आएगा। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर क्या है, मतलब 6 × 4 = 10, 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 21 को 2 2 + 1 = 3 यानी कि ये मेरे पास आएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरे पास होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असंगत का चुनना है, मतलब इसमें से कोई एक डिफरेंट है जिसको चुनना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं एज का जो प्लेस वैल्यू होगा, जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 8 होता है, और हम लोग का है ना एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, ये 12 होता है, और हम लोग का एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, और हम लोग का एन का प्लेस वैल्यू होता है ये 14। तो फ्रेंड्स आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है, आपको डिफरेंट दिख रहा है ये जो लेटर है इसका प्लेस वैल्यू इवन है, इसका प्लेस वैल्यू आपको दिख रहा है ये इवन है, इसका भी प्लेस वैल्यू आपको दिख रहा है इवन है, लेकिन आप ये बताइए क्या यहाँ
एस जो है एस, तो एस का क्या प्लेस वैल्यू आपको इवन दिख रहा है? नहीं, ये ओड है। यहाँ पे क्या दिख रहा है फ्रेंड? तो ये ओड है, इसका प्लेस वैल्यू ओड है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है ये 9th नंबर, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया सर्कल बेस का, जिसमें 2, 4, 6 आदमी हैं केंद्र की ओर मुंह करके गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए, मतलब एक सर्कल के चारों ओर केंद्र की ओर फेस करके बैठा हुआ है, और एफ जी के बाईं ओर। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किए कि एक सर्कल बना लिए, एक सर्कल बना लिए इस तरह से, और इसके चारों ओर कितना आदमी है? तो 6 आदमी है। तो इस तरह से हम लोग इसको आमने सामने ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से फेस सभी का सेंटर की ओर, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट हम लोग फेस को जो है सेंटर को इस तरह से मान लेते हैं। सभी का फेस जो है ना, तो गोल मेज के चारों ओर है, और है ना इसको सबका फेस अंदर की ओर मान लिया। आप देखिए यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ केंद्र की ओर मुख करके बैठे, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ जो है वह जी के बाईं ओर, एफ जी के बाईं ओर है, तो जी कहीं पे भी होगा। मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम लोग जी है, यहाँ पे अगर जी है, तो एफ जी के बाईं ओर है, बाईं ओर मतलब जस्ट लेफ्ट में, यानी एफ यहाँ पे हो जाएगा, एफ जो है जी के बाईं ओर है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एफ जी के बाईं ओर जो ए के विपरीत है, यहाँ पे जो जो शब्द आया है, ये जो शब्द आया है, तो जो आता है बाद के लिए, मतलब ये जो हम लोग का जी के लिए बता रहे, किसके लिए बता रहा फ्रेंड? तो जी के लिए। एफ जी के बाईं ओर है, एफ जी के बाईं ओर जो ए के विपरीत है, यानी कि ए जो है वह जी के विपरीत है। तो ए अगर जी के विपरीत, मतलब यहाँ पे अगर जी है तो यहाँ पे कन्फर्म ए होगा, यहाँ पे कौन होगा? ए होगा। आगे लिखा हुआ है भी ए और जे के बीच में, भी जो है वह ए और जे के बीच में। देखिए यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि तो यहाँ पे बोला है कि भी ए और जे के बीच में, यहाँ पे अगर ए होगा तो यहाँ पे हम लोग का है ना, यानी कि भी जो है वह ए और जे के बीच में है, तो यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे हम लोग का जे नहीं होगा, चूंकि यहाँ ऑलरेडी हम लोग का है। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जे हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा भी। देखिए भी जो है ए और जे के बीच में हम लोग आ जाता है, और एक आदमी जो हम लोग को बच गया है, शायद वो हम लोग को बच गया है ई, तो ई को लिख देंगे यहाँ पे, और इस तरह से हम लोग ये कंप्लीट हो जाता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ई के बाईं ओर कौन है। तो ई के बाईं ओर जस्ट हम लोग लेफ्ट और फेस अंदर की ओर है, तो बाईं इधर भागेगा, यानी कि ई के बाईं ओर हम लोग कौन दिख रहा है? ये ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड 10th नंबर क्वेश्चन में लिखा गया, जो कि एक रैंकिंग टेस्ट का टाइप 1 का क्वेश्चन लिखा गया है, कंपेरिजन टाइप क्वेश्चन है। लिखा गया है कि सोनू जो है वह यतेंद्र से लंबा है। सोनू, ये एस फॉर सोनू है, ये सोनू जिसको हम लोग नाम लिख सकते हैं, सोनू जो है वह यतेंद्र से लंबा है। यतेंद्र यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा यतेंद्र, सोनू यतेंद्र से लंबा है। नेक्स्ट लिखा अमित जो है सोनू से लंबा, अमित सोनू से लंबा, सोनू यहाँ पे मालूम है तो यहाँ पे हम अमित को लिख सकते हैं, अमित जो है वह सोनू से लंबा है। फिर लिखा सुभाष अमित से लंबा है, सुभाष अगर अमित से लंबा है तो सुभाष इसके ऊपर हो जाएगा, सुभाष सुभाष अमित से लंबा है। और सत्तू सबसे लंबा, सबसे लंबा मतलब होता है टॉप में, एकदम ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सत्तू, सत्तू सबसे लंबा है। तो पूछा गया फ्रेंड्स कि इसमें जो है ठीक बीच में कौन है, तो एग्जैक्टली मिडिल में हमको कौन दिख रहा था? अमित दिख रहा, इसलिए आंसर बोलेंगे यहाँ पे हम लोग का ये अमित हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन में हम लोग 11 में आते हैं, जिसमें हम लोग का एक इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पे बीच में स्टार दिया गया, तो हमसे पूछा जा रहा है स्टार की जगह पे कौन सा वैल्यू को हम पुटअप करेंगे ताकि ये मेरा इक्वेशन यानी कि बराबर, सब जगह देखिए आपके पास बराबर लिखा हुआ है, यानी कि इसके इसका वैल्यू जो है यहाँ पे अगर बराबर पुटअप होगा तो इस क्वेश्चन में 20 आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन को हिट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या है ना, आप एक एक करके सभी ऑप्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कभी आपको फर्स्ट टाइम ही अगर हो जाए या कभी आपको टाइम भी लग सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सी नंबर ऑप्शन को अगर हम लोग देखते हैं, सी में अगर देखेंगे यहाँ बोलेंगे 44 और स्टार के जगह पे माइनस रखते हैं 6 और फिर स्टार के जगह पे इंटू रखते हैं ये वाला, और फिर 12 हो गया, और स्टार के जगह पे हम लोग डिवाइड रखते हैं, यहाँ पे डिवाइड रखेंगे और यहाँ पे हम लोग का 3 हो गया, और स्टार के जगह पे बराबर रख दिया, यहाँ पे हो गया हम लोग का 20। तो आपको इससे क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बोर्ड मास नियम में, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट अगर नहीं है तो हम लोग ऑफ मीन्स का भी नहीं है तो यहाँ पे डिवाइड का काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 12 को जो है 12 को अगर हम 3 से डिवाइड देंगे फ्रेंड तो मेरे पास आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा, और 4 को अगर हम लोग यहाँ पे कितना आ गया फ्रेंड तो हम लोग का ये 4 आ गया, 4 ये हम लोग का 4 आया। अब 4 को जो है 4 को अगर हम लोग मान लिया जाए, अगर हम लोग 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा 24, 6 चौका 24, और 24 क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग का 44 से माइनस हो जाएगा, यानी 44 हो गया, 44 हो गया माइनस हो गया 24, तो हम लोग वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स, ये 20 आ गया जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। फिर से आप बात को समझिए, सबसे पहले डिवाइड वाला काम होगा, तो 12 को अगर हम 3 से डिवाइड देंगे 4 होगा, 4 को फिर हम लोग 6 से गुना करेंगे, 6 जगह 24 होगा, और 24 जो है 44 से माइनस करेंगे 20 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th नंबर लिखा, यदि किसी पूर्ण भाषा में अगर ग्रेड का वैल्यू दिया गया है, फाइनल का वैल्यू दिया गया है, देन हमको रीगल का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे चीज क्या है कि आपको यहाँ पे ए का जो वैल्यू यहाँ पे आपको शो कर रहा 4 है, और यहाँ भी आपका ए को जो वैल्यू है वो कितना शो कर रहा था 4 है, यानी कि दोनों जगह ए का वैल्यू आपका 4 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी ए का जो वैल्यू होगा ये 4 होगा। इसीलिए हमको सेटिस्फेक्शन के लिए 2 इक्वेशन दिया गया, जैसे आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया होगा शायद है ना, यहाँ पे सिर्फ ए का वैल्यू दिया गया, और हम लोग का कुछ ऐसा तो कुछ कॉमन है नहीं यहाँ पे, और कुछ कॉमन हम लोग को नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इससे ये चीज पता चल रहा कि ए का वैल्यू जैसे 4 हो गया, इस तरह टी का वैल्यू जो है हम लोग का 9 हो जाएगा, और ई का वैल्यू हम लोग का 2 हो जाएगा, सॉरी ई का वैल्यू जो हम लोग का आई हो जाएगा, ई का वैल्यू हम लोग का 1 हो जाएगा, आर का वैल्यू 2 हो जाएगा, और जी का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं, जैसे यहाँ आर, तो R का वैल्यू हम लोग को दिया गया 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और E का वैल्यू हम लोग का 1 लिखा गया तो 1 लिख देंगे, G का वैल्यू हमको 6 लिखा गया 6 लिख देंगे, A का वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं, L का वैल्यू हमको 7 दिया गया 7 लिख दिया, और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा गया श्रृंखला को पूरा करना है, मतलब यहाँ पे एक हम लोग का मिसिंग नंबर दिया गया जिसको हमको फाइंड करना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि 0.25 है, इसको अगर हम लोग 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई किया, आगे भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, जबकि हमको नेक्स्ट में 4 यहाँ पे दिख रहा, मतलब यहाँ पे हम लोग का ये रॉन्ग होगा। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे अगर हम लोग देखें कितना इंक्रीज कर रहा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 0.75 हम लोग का यहाँ पे ये बढ़ा, अगर 0.75 अगर इसमें अगर एड कर दिया जाए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ हम लोग देखते कि यहाँ पे क्या हुआ नहीं मालूम, फिर यहाँ से यहाँ क्या हुआ नहीं मालूम, फिर यहाँ से यहाँ को फिर दिखेगा, तो यहाँ से यहाँ में हमको कितना दिख रहा फ्रेंड्स, इंक्रीज दिख रहा, तो यहाँ पे हमको दिख रहा 2.25 बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा फ्रेंड 2.25 बढ़ रहा, और यहाँ से यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग बढ़ रहा प्लस हम लोग का यहाँ पे बढ़ रहा 2.75 अगर हम लोग एड अगर कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 75 और 25 100 मतलब हम लोग का हो गया, यानी कि हम लोग है ना 6 2 8 8 और यहाँ पे हम लोग का 1 हो जाएगा 9 जो कि हमको यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग आगे बात कर सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ 0.75 पड़ा, यहाँ पे अगर हम लोग मान ली बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम लोग बढ़ाते हैं 1.25 अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग 2.25 आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, और 2.25 चूंकि यहाँ पे 0.75 हो गया 1.25 हो गया, अब यहाँ पे हम लोग बढ़ाते हैं 1.75 यानी कि इसमें सम में 50-50 करके इंक्रीज कर रहा 0.75 1.25 1.75 2.25, इसमें अगर हम 50 ऐड करेंगे 2.25 आएगा प्लस 2.75 50 करके इंक्रीज कर रहा, तो इसमें अगर हम लोग 2.25 में अगर ऐड करेंगे 1.75 तो 4 भी आ जाएगा, चूंकि यहाँ 75 25 100 यानी कि है ना 100 का 0 हम लोग को हो जाएगा एक बचेगा, और यहाँ पे हम लोग कितना हो गया 2 और 1 3 3 और 1 4 इस तरह से। तो कहने वाला है फ्रेंड्स हमको इस तरह से यहाँ का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हम लोग का यहाँ पे 2.25 जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आता है 14 में क्या है कि वहां पे हमको बोला श्रृंखला को पूरा करना, तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, देखिए यहाँ से ये ए से बी हुआ मतलब एक बढ़ा हम लोग का, और फिर बी से हम लोग को सी हुआ यानी कि यहाँ पे भी हम लोग का एक बढ़ा, और सी से अगर डी हुआ मतलब यहाँ पे भी एक बढ़ा, और डी से अगर एक बढ़ेगा तो यहाँ पे हम लोग का एक बढ़ेगा मतलब डी से एक बढ़ेगा ई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर नीचे अगर बात करें तो ए से अगर डी हुआ तो यहाँ पे एक और यहाँ पे 4 है मतलब यहाँ पे 3 बढ़ा, और फिर यहाँ डी से अगर आई हुआ मतलब यहाँ 4 और यहाँ पे 9 है मतलब यहाँ 5 बढ़ा, और आई से फिर हम लोग को 16 हो गया यानी कि 9 और 16 यानी कि यहाँ पे हम लोग को 7 बढ़ा, तो अगला हम लोग को बढ़ना चाहिए 9, अगला कितना बढ़ना चाहिए 9, तो 16 16 और 10 26 यानी 25 25 पे यहाँ पे हम लोग का ये y होगा
क्योंकि फाइनली हम लोग का ये आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, हमको लिखा गया कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा पद है ना, जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। मतलब ये हुआ कि कंगारू का जो है कूदना, एक दिया गया है कंगारू का कूदना है जिस तरह से रिलेशन है उसी तरह सांप का क्या होगा। तो कंगारू और कूदना में क्या हो फ्रेंड, जिस तरह से आदमी जो है वो चलने का मीनिंग देता, आदमी को बोला जाता है कि चलता है ना, उसी तरह कंगारू जो है, कंगारू जो कुदक कुदक करके चलता है, कंगारू जो कुदकता है और वो आगे बढ़ता है। तो सांप क्या है, तो सांप हम लोग बोल सकते हैं कि सांप रेंग करके चलता है, इस तरह जिस तरह से हम लोग का वो रेंगता है। तो यहाँ पे काटने उठने का मीनिंग नहीं आएगा, कंगारू का चलने के लिए वो है ना कुदक कुदक करके चलता है, तो सांप जो है चलने के लिए जो है वो रेंग करके चलता है, यानी इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ये रेंगना। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट 16 में लिखा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो जिस प्रकार तीसरा पद जो है ना, जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है उसी प्रकार चौथा पद तीसरे पद से किस प्रकार संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स आपको देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है, यहाँ पे डबल टू है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, यहाँ पे फाइव होना चाहिए। अब यहाँ पे ये डबल टू है, डबल था, यहाँ पे ट्रिपल हो गया, अरे ट्रिपल के बाद यहाँ फोर टाइम्स हो गया, अगला यहाँ फाइव टाइम्स होगा, फाइव टाइम्स मतलब यहाँ पे हम लोग का फोर है ना, फाइव टाइम्स फाइव होगा, जो यहाँ टू है थ्री है फोर है तो अगला फाइव होगा, तो फाइव टाइम्स फाइव मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हम लोग का एक हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं फाइव टाइम्स फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये हम लोगों का आंसर होगा फ्रेंड्स इस तरह से। फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें हम लोगों का विकल्प में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हमको चुनना है। तो क्या चुनना है कि ये हम लोग को जो फिगर दिया गया बोलता है ये जो प्रश्न आकृति है ये कौन सा उत्तर आकृति में है ना अंतर्निहित है, मतलब उसमें ये शामिल है। तो आपको ये बता दे कि हम लोग इम्बेडेड फिगर का ये चैप्टर का है जिसमें ऑप्शन को जो है मिटाया जा सकता है, घुमाया जा सकता है, लेकिन बनाया नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ पे हमको ये फिगर जो है कहीं ना कहीं हमको दिख रहा होगा, आप उसको एक्स्ट्रा लाइनिंग दिया गया उसको आप मिटा करके समझ सकते हैं कि ऐसा आपको दिख रहा है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन फिगर को हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको ये फिगर जो है यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है। जैसे कि हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें अगर इस फिगर को अगर मिटा दिया जाए, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वाला फिगर जो है इसको अगर हम हटा देते हैं, ये वाला फिगर को हम हटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको अगर मिटा देंगे तो आपके पास फिर सिर्फ फिगर ये वाला बच जाएगा, ये वाला और ये बचेगा, जो आपको एकदम बिल्कुल इसके जैसा आपको मैच कर रहा है, यानी इसके जैसा आपको मैच कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे आप नहीं बोल सकते इसको, चूंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे ये तो खैर है ही नहीं, और यहाँ पे ये भी नहीं, मतलब ये सब हम लोगों का नहीं हो रहा, इसलिए आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम लोग 18 में लिखा गया है कि इसका है ना, हम लोग का लिखा गया कि दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। दर्पण छवि मतलब हुआ इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो मिरर में राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है, तो हम लोग कहने का मतलब है कि मिरर में हम लोग राइट का चीज लेफ्ट में, लेफ्ट का चीज राइट में चल जाता। तो ये जो आपको एन दिख रहा है ना, ये जो एन दिख रहा है ना, इसको अगर हम मिरर में अगर ले जाएंगे, तो ये एन का जो पोजीशन हो जाएगा ये हम लोग इस तरह का होगा, ये हम लोग का इस तरह का हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का एन का पोजिशन हो जाएगा, जो कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिख रहा, तो ये हम लोग को दिख रहा है, देखिए आपको डी नंबर में दिख रहा है यहाँ पे, बाकी और किसी में नहीं दिख रहा, इसलिए आप यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में, इसमें लिखा गया है कि वेन आरेख में सर्वोत्तम संबंध को दर्शाता है, यानी कि इसका सही रिलेशन जो कौन सा फिगर बनेगा ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रह है, पृथ्वी है, सूर्य है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। देखिए हम लोग का क्या है कि पृथ्वी क्या है, वो एक ग्रह है, एक प्लेनेट है, और हम लोग का ग्रह है, तो ग्रह के अंदर हम लोग का पृथ्वी आएगा, मतलब ग्रह के अंदर ये हम लोग का, ये हम लोग का ये अर्थ हो जाएगा, और ये हम लोग का प्लेनेट हो जाएगा, और ये हम बोल सकते हैं ये हम लोग का हो जाएगा स्टार, स्टार मतलब तारा, इसलिए ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। इस सबसे कोई भी ये सब बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली। और क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो कि लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 20 नंबर है ना, प्रश्न आकृति दिया गया, नीचे में हम लोग को फिगर को शो किया गया, यानी कि हम लोग का नीचे में अगर इमेज को अगर प्रतिबिंब अगर यहाँ पे हम लोग का मिरर को अगर रखा गया, मतलब ये वाटर के जैसा काम करेगा, यही चीज अगर यहाँ पे खड़ा अगर यहाँ पे अगर रखता तो मिरर होता, लेकिन नीचे अगर रखा मतलब वो पानी है, तो पानी में क्या होगा कि ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर होता है,
तो ये जैसा इस तरह से बना हुआ था एस इसी तरह से बना रहेगा, लेकिन क्या ऊपर वाला पार्ट नीचे चला जाएगा फ्रेंड्स, मतलब यहाँ बोल सकते हैं ये वाला पिक्चर जो है आपका नीचे वाला जो भाग दिख रहा है आपको ऊपर चला जाएगा, मतलब ये आपका ऐसा हो जाएगा ऐसा। ऐसा फिगर हमको सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिख रहा फ्रेंड, तो हम लोग ये डी नंबर में दिख रहा, ना कि ये वाला दिख रहा है, ये आपको जीएम का टाइम दिख रहा है। ऐसा होगा नहीं, राइट लेफ्ट नहीं, वो ऊपर का नीचे आएगा, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ डी नंबर में दिख रहा था। इस तरह से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस को पूरी तरह से देख रहे हैं और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और जो भी कोई दिक्कत परेशानी है आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको फिर बता सकता हूँ उसमें किसमें क्या क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप वीडियोस को शुरू से अंत तक देखते रहिए, और इस तरह से वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।